निजी तालीमी इदारों की तवील बंदिश के बायस स्कूल मालिकान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन गुज़श्ता दो माह से 16 सितंबर की बजाय 15 अगस्त को स्कूल खोलने पर बजिद रही है, मगर 15 अगस्त को स्कूल खोलने की इजाजत न देने पर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर ने कहा है कि तालीमी इदारों के सिवा तकरीबन तमाम शोबा जिंदगी को बहाल कर दिया गया है, जबकि स्कूलों की तवील बंदिश तालीमी इदारों और तुलबा पर जुल्म के मुतरादिफ है और हम इस जालिमाना कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के बायस टीचर्स समेत दीगर अमला खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वजीर आजम, गवर्नर्स और वज़राए आला से अपील की है कि एसओपीज के तहत दीगर शोबों की तरह स्कूल खोलने की इजाजत भी दी जाए ताकि तालीमी सरगर्मियां बहाल हो सके और तुलबा के लिए इल्म का हुसूल मुमकिन हो पाए। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पंजाब भर की तालीमी बदइंतजामी के जिम्मेदार वजीर तालीम पंजाब मुराद राज समेत दीगर तालीम दुश्मन वजरा को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए।